सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में खनन माफिया ने गांव के एक सरपंच की हत्या कर दी। सरपंच के साथ ही कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। ये सभी बीती रात बजरी के अवैध खनन की शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए गए थे। यहां बदमाशों ने सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पत्थर भी बरसाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बजरी खनन पर लगे बैन के बाद भी सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बजरी खनन अवैध रूप से जारी है। इसी कड़ी में बौली थाना क्षेत्र के हथडोली गांव में भी अवैध खनन जारी था। इस बारे में सरपंच रघुवीर मीणा को भी जानकारी दी गई। मीणा ने 5 दिन पहले भी खनन करने वालों को खनन करने से टोका था। कल रात फिर से खनन की शिकायत मिलने पर मीणा और कुछ प्रशासनिक अधिकारी समझाइश के लिए गए थे, लेकिन दबंगों ने उनसे मारपीट की। जब वे दौड़ने लगे तो पीछे से भारी पत्थर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के दौरान ही सरपंच मीणा के सिर में गहरी चोट लगी। मीणा को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं सरपंच के साथ गए अधिकारियों को भी पत्थर लगने से चोटें आई हैं। रोडी सरपंच के साथ कोई घटना हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी जयपुर है। इस मौके को देखने के लिए SHO के साथ हम जा रहे हैं, फिर जैसी भी सिचुएशन होगी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पर्याप्त जाप्ता मंगा लिया है, आसपास के SHOs हैं, मामला संवेदनशील है, उसी हिसाब से हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। FSL की टीम भी मौके पर बुला रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य बजट में सरकार ने अब बजरी के छोटे पट्टे देने का ऐलान किया है, जबकि आज बजरी कारोबार प्रदेश में मात्र 53 लोगों के पास है। इनमें भी अधिकांश खाने एक ही ग्रुप के पास बताई जा रही हैं। इसके चलते अवैध खनन पनप रहा है। नई नीति के तहत नदी के पेटे में 2000 खाने सरकारी भूमि पर और 1000 खाने खातेदारी भूमि पर नदियों के सहारे दी जा सकती हैं। हालांकि इसके चलते बजरी ज्यादा मात्रा में निकल पाएगी और आपूर्ति बढ़ने से दरों में कमी के साथ ही गुपचुप खनन में भी कमी आ सकती है।